हेलो गाइस, मैं उलीसा, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, यूनाइटेड किंगडम के चेस्टर से मर्डर का एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक पत्नी ने बेड पर सो रहे अपने पति के ऊपर चीनी मिला उबलता हुआ पानी डाल दिया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताते हैं पूरी घटना के बारे में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दरअसल में छिपे एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि दर्दनाक तरीके से अपने पति की हत्या करने वाली महिला का नाम कोरिना स्मिथ है और वे 59 साल की है। कोरिना ने एक बाल्टी में चीनी डालकर पानी उबाला और खोलते हुए इस पानी को अपने पति के ऊपर डाल दिया और इस घटना में 80 साल का माइकल बुरी तरह से झुलस गया। पति को जलाने वाली बात आरोपी महिला ने खुद जाकर अपने पड़ोसी को बताई और उसने ये भी कहा कि शायद मैंने अपने पति को मार दिया। और बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान ही महिला के पति की बॉडी 36% तक जल गई थी। पड़ोसी ने जैसे ही माइकल के जलने की बात सुनी, वे तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद ही पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट ले जाकर चेस्टर क्राउन कोर्ट के सामने भी पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी महिला ने कोर्ट में ये भी बताया है कि महिला ने बीते 14 जून को बाल्टी में पानी उबालने के लिए रखा था और उसमें चीनी मिला दी जिससे कि लिक्विड गाढ़ा हो जाए और पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। गाइस, इस तरह की खौफनाक घटनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।